लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ख्वाहिशों की राह में अक्सर खो जाते हैं हम, कभी दुनिया से और कभी अपने आप से डर जाते हैं हम। जो करना और कहना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हम, दुनिया क्या बोलेगी ये सोचकर अक्सर चुप हो जाते हैं हम। मिस कोरगावकर, यस, ओह थैंक यू सर, आपका पार्सल है। पार्सल? अरे पार्सल, वो मेरा है, मेरा है सर। तुम क्या मंगाते रहती हो मिस कोरगावकर? तुम्हारी शादी के लिए मैंने गाउन मंगाया है अभी से। हाँ तो 3 महीने तो बाकी है सर। आई एम सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। शादी मेरी और ज्यादा एक्साइटेड तुम लग रही हो। क्यों नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी जिंदा होते ना तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड होते। स्कोर गाओ कर। क्या? तुम हो ना, बस काफी है। मैं तो हमेशा हूँ ही और हमेशा रहूंगी भी। अरे 9 बजे मुझे यहाँ स्विच ऑन करना है, रात को मिलते हैं। या ओके, स्कोर गाओ कर, बाय डार्लिंग। क्या बात कर रहा यार, यार पागल है क्या तू? ऐसे कैसे सोच सकता है तू? अगर फेरे नहीं लेने तो कम से कम प्रेशर तो मत लेना, मत कर शादी। अब लाइफ तेरी है तो चॉइस भी तो तेरी होनी चाहिए। एक सेकेंड, 1389 OTP 1389, चल रखता हूँ, बाय। कमर में इतना दर्द है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लो। यस मिस कोरगावकर। अमित, मेरा पेट ज्यादा बढ़ गया है, मैं गाउन में अच्छी नहीं लग रही हूँ। कोई बात नहीं मिस कोरगावकर, दूसरा गाउन ऑर्डर कर लेंगे। अरे गाउन बदलने से पेट थोड़ी ना कम हो जाएगा, तेरी शादी के सिर्फ 3 महीने रह गए, बहुत कम टाइम है। थोड़ा ज्यादा वक्त होता ना तो मैं जॉगिंग वॉकिंग करके मेरा पेट कम कर लेती। इस बारे में रात में बात करें मिस कोरगावकर, अभी कस्टमर बैठा है, पैड नहीं देगा। ओके बाय। अरे रीडिंग से टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल कम रीडिंग नहीं दूंगा, एकदम फुल। हाँ थैंक्स, बहुत प्यार करते हो मिस कोरगावकर। कोरगावकर दादी है मेरी, 2 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। तब से मिस कोरगावकर ही मेरी दुनिया है। वैसे क्यूट है तुम्हारी दादी, थोड़ा म्यूजिक प्ले कर देंगे प्लीज? या श्योर, थैंक्स।
continue straight. Drive safe. At the roundabout, take the second exit. You have reached your destination. एक्चुअली मैम, आपकी एज में मसल्स बहुत लूज हो जाते हैं, तो बेली फैट कम करना बहुत मुश्किल होता है. इसके लिए क्या है कि आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा और कम से कम 2 किलोमीटर रोज वॉक करना पड़ेगा. दो क्या, मैं 20 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरा पेट कम करवा दीजिए. ओके, आप आइए, मैं आपका मेजरमेंट ले लेती हूँ. हाँ, चलिए. अरे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं? यस, आई एम नितिन. नाइस टू सी यू मैन. नाइस टू सी यू टू. ओके, सो गो डाउन, स्ट्रेट टू योर टोस, टच योर टोस. नहीं नहीं, पूरा स्ट्रेच करेंगे, हैंड्स अप एंड यू विल गो डाउन स्ट्रेट. काम करो, मंडे को आ जाओ. अब एक क्लाइंट से अपॉइंटमेंट है, मंडे से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. ओके. की रोशनी, याददाश्त, ताकत, सब कुछ कम हो रहा है, लेकिन ये कमबख्त पेट ही नहीं कम हो रहा है. अरे तेरा ध्यान किधर है? मुझे पता है तू पूजा के बारे में सोच रहा है ना. आप भी ना मिस कोरगांव पर. मुझे सब पता है, मैं भी तो गुजर चुकी हूँ इस दौर से. आओ 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 आओ. शादी के बाद भी कैब चलाओगे? हाँ, क्यों? कैब चलाने में कोई प्रॉब्लम है? अच्छे खासे फार्मेसी ग्रेजुएट हो, कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? अब 2 साल केमिस्ट के यहाँ जॉब किया था ना, कोई ग्रोथ ही नहीं है. और कैब चलाने में अच्छे खासे पैसे सेव हो जाते हैं, और जितनी अच्छी कमाई होगी उतना बेटर रहेगा. हमारे लिए? मिस कोरगांवकर के लिए, और हमारे लिए भी. अब अच्छे खासे पैसे होंगे तो मिस कोरगांवकर भी हमारे साथ रह लेगी. शादी के बाद ना दादी के लिए केयर टेकर रख लेंगे.
वो ऐसा है ना, अच्छा नहीं लगता कि घर की बहू जॉब करे और आराम करने की उम्र में दादी सारे घर के काम करे, है ना? मिस कोरगांवकर तुम्हारे बारे में ठीक ही कहती है। क्या? यही कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मिस कोरगांवकर, सुबह सुबह क्या चल रहा है? तेरे शादी के लिए वजन कम करना है ना, तो मैं जॉगिंग जा रही हूँ। बाय, सी यू लेटर। बाय। मैंने सोचा हम फ्रेंड्स बन गए तो मैं आगे बैठ गया। ओके नाइस। अब कुशन की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, अब तो काफी बेटर हो गया है। बेटर हो गया, पर वर्कआउट नहीं छोड़ना, रेगुलर करना है। ऑल थैंक्स टू यू। अरे यार, थैंक्स बोलने हैं तो गोवा घुमा दो यार, कितने दिन हो गए मुझे गोवा हुए। हाँ घुमा तो देता, लेकिन मुझे सिर्फ संडे ऑफ मिलता है। संडे तो परफेक्ट रहेगा, मेरा भी तो संडे को ऑफ होता है, तो संडे फिक्स करते हैं। ओके चलो लेट्स गो। इतना क्यों पसंद है? बहुत सुकून है इस शहर में, दिल आ गया गोवा पर। और सॉरी, टी शर्ट चेंज कर लेंगे, अपनी ही है। घर अच्छा है तुम्हारा?
पहले भी दो रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, पर तुम्हारे साथ की फीलिंग ही अलग। मेरी शादी तय हो चुकी है, क्यों कर रहा हूँ शादी? और बाबा चाहती है कि मैं शादी करके सेट हो जाऊं। वैसे भी पूजा से शादी कर लोगे तो क्या खुश रह पाओगे तुम दोनों? एक बात कहूं, आदत लगी है मुझे तुम्हारी, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आती है मेरे लिए? So, what did you wish for? A miracle. आपसे कुछ कहना है स्कूलवा को, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। मिस कोरगांवकर, मुझे आपसे कुछ कहना है। पहले ये तो देख कैसे लग रही है, बता बता ना। 2 महीनों में 6 किलो वजन कम किया है मैंने, अब तेरी शादी के सिर्फ 1 ही महीना बचा है। दादी पोतों की जोड़ी तो ऐसे लगेगी ना, लोग देखते ही रह जाएंगे। और तब ऐसा फोटो खिंचवाएंगे ना हम, जलन के मारे कुछ बुढ़ियों के फोटो पे माला चढ़ जाएगी। अच्छा ये बता, तू क्या कह रहा था? कुछ नहीं। तेरी आवाज तो ऐसी लग रही थी जैसे कुछ बहुत जरूरी है, पता ना? इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है तो फिर तेरी शादी सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। <laughs>
दादी हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अरे बातें तो होती रहेंगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो चलो आओ बेटा, चलो चलो। फिश फ्राई पूजा ने अपने हाथों से बनाया है। मैंने उसे सिखा दिया है कि तुम्हारी पसंद की फिश कैसे बनाते हैं। तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हो। बेटा इन दोनों की एक तस्वीर तो खींच, मेरे से अच्छी नहीं खींची जाती। तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी घबराहट हो रही है। शायद तुम्हें एसिडिटी हो गई होगी। ऐसा करो तुम अमित के रूम में थोड़ा सा रेस्ट करो। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया नहीं अमित, क्या हो रहा था वहां पे? हाँ वो तुम्हारे पैरों से खेल रही थी और तुमने उसको अलाउ कर दिया। अलाउ क्या मतलब? मेरी शादी होने वाली है उससे। शादी होने वाली है तो कुछ भी अमित, मतलब इतना तो सेंस होना चाहिए ना कि कहां क्या करना है, किसके सामने करना है। तुम ओवररिएक्ट मत करो। देखो पूजा मेरी लाइफ में तुमसे पहले से है और तुम जानती हो ये बात। तुम वैसे सिर्फ क्यों हो रहे हो? तुम्हें चुनना होगा। तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता है। बेटर ये होगा कि मैं किसी और शहर में शिफ्ट हो जाता हूँ। बाय। मत जाओ ना। ख्याल रखना अपना।
सही होता है कि आगे ज्यादा गलत ना हो। नितिन, मैं चाहता हूं कि स्वर्गा होकर खुश रहे। क्या कर रहे हो तुम? मैं अपनी फ्यूचर लाइफ में अपने पास्ट लाइफ को नहीं ले जाना चाहता। आई विल मिस यू। बेटा जरा फोन देना। धन्यवाद।